और वो उसका बेचारे का किसान का जो गरीब किसान इस आने वाले समय में अब आगे चल के गर्मी के मौसम आएगा तो उससे पहले धान की नर्सरी तैयार होगी, बिहन डाला जाएगा। उस टाइम वही नर्सरी का समय था, धान की बिहन डालने का थोड़ी सी छोटी छोटी हो गई थी स्थिति, ये हो गई थी। उधर के जितने किसान थे सबकी धान की नर्सरी सूखने के कगार पे थी और ट्रांसफार्मर आया था उस किसान के उस सरकारी ट्यूबवेल के लिए ट्रांसफार्मर आया था, लेकिन एसडीओ साहब ने दबाव में उसको आदेश करा दिया कि ये ट्रांसफार्मर उस नेता के यहाँ जाके लगेगा। मैंने भी ठान लिया था कि तुम नेता हो तो मैं भी नेता हूं। अंतर इतना है, तुम घुसखोरी करने के लिए बने और मैंने साफ साफ कहा। एसडीओ साहब बोले कि वो ट्रांसफार्मर वहां लगना चाहिए। मैं देखा जो ट्रांसफार्मर की गाड़ी लेके आया तो अपना रजिस्टर दिखाया, मैंने देखा उस किसान की सरकारी ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर था। मैं समझ गया वर्कशॉप से सरकारी ट्यूबवेल के लिए चला है, बीच में एसडीओ साहब नेताजी को भिजवाना चाहते हैं। फिर मैं कहा साफ साफ कि एसडीओ साहब बोले मैं कभी नकारता नहीं हूँ। एसडीओ साहब कुछ और बोल देंगे, यस सर होगा चाहे नहीं होगा इसका ठीक काम नहीं है। साफ साफ बात है, वो गलत काम के लिए कहेंगे हम क्यों करें भाई। वो नेताजी को ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए बोल रहे थे, मैं बोला ठीक है सर हो जाएगा। और शाम होते होते 8 बजे रात को उस ट्रांसफार्मर को मैं सरकारी ट्यूबवेल पर लगवा दिया। 8 बजे रात को सरकारी ट्यूबवेल पर लगवा दिया। नेताजी ने एसडीओ को फोन किया, एसडीओ साहब बोले अरे यार वो ट्रांसफार्मर कहाँ लग गया। मैं बोला सर एक ट्रांसफार्मर जल गया, गाँव वाले ढूंढ लिए, गांव वाले गाड़ी वाले को घेर लिए थे, जाने नहीं दे रहे थे, मैं उसी की जगह शिफ्ट करवा दी। लेकिन यार बहुत दुख होती है उन संविदा कर्मियों की सैलरी को लेकर के, 8-8 महीने की सैलरी रुकी रहती है और 1 महीने की सैलरी फिर दी जाती है, मुझे बहुत दुख होता है। लेकिन दुर्भाग्य है उनका भी कि उसी में से कोई ना कोई ठेकेदार से मिला रहता है जो ये बताता है कि यहाँ से ऐसे ऐसे। वो बात एसडीओ साहब को पता चल गई कि अशोक ने ऐसे ऐसे करवा दिया। एसडीओ साहब बोले तुमको पता है तुम पे एक्शन हो सकता है। मैं बोला दम है तो कल 8 बजे आके मुझे सस्पेंड करिए। दम है तो मुझे कल 8 बजे आके आप सस्पेंड करिए। और आगे भी मैं ये चाहता हूं कि आप लोग भी ऐसे ऐसे बीच में जो बिचौलिए मार खा जाते हैं, दूसरे का हक छीन लेते हैं, वो हक आप दूसरे को छीनने मत दीजिए। जहां आया है वहां लगना चाहिए। अरे यार अपना आप ईमानदारी से काम करने लगो, देखो आज ऑटोमेटिक समाज सेवा होने लगेगी। और जो तो थोड़ी बहुत बच जाएगी, एक बात मैं बता दूं, मेरा मुझे ये मायने नहीं रखता, मुझसे विभाग से कुछ लेना देना नहीं। मैं ड्यूटी करता हूँ विभाग पैसा देता है, मैं ड्यूटी करता हूँ विभाग पैसा देता है। सब सब बता रहा हूँ, देखो मैं थोड़ा सा भोजपुरी भी बोलूंगा। मैं ईमानदारी से ड्यूटी करता हूँ, ईमानदारी का पैसा चाहिए, विभाग भाड़ में जाए हमसे मतलब नहीं है। इस तरह सब लोग सोच लो विभाग भाड़ में जाएगा ही नहीं, और विभाग कहाँ जाएगा भगवान जाए। इस तरह सोच लो कि विभाग भाड़ में जाए मैं अपनी ईमानदारी से नौकरी करूंगा, इस तरह सब हर कर्मचारी सोच ले, हर अधिकारी सोच ले, तो फिर विभाग में भाड़ में जाने का कोई सवाल ही नहीं होगा। देखिए और मैं बताना चाहता हूँ एसआरकेटी के बारे में। यार इस एसआरकेटी में दो लोग ऐसे हैं, भगवान भी जिद करे ना तो उनका जिद छोटा इन दो लोग के आगे। हकीकत बताऊं, सुब्रत सर ने कहा था 350 का बैच था, 187 लड़के सिलेक्शन पाए थे। गलत कह रहा हूं, कुछ लोग बहुत इधर उधर प्रचार करते हैं कि तुक्का था। अरे तुक्का 1-2-3 जैसा तुक्का है मान लो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं नौकरी पाऊंगा, हकीकत मैं बता रहा हूँ। सुब्रत सर जानते हैं, मैं सुब्रत सर से आके फूट फूट कर रोया था, लेकिन सुब्रत सर ने कहा था कि अरे यार आगे तुम ही हो और तुम ही सब कुछ करोगे, हॉल में बैठना तो बस ये बोलना कमन बेटा तेरा होगा और किसी का हाल में होगा नहीं। थिंकिंग ने मुझे नौकरी दिला दी। जिद की बात करें, सूरज सर ने कहा था कि 350 में मैं 180 लड़कों को सिलेक्शन दिलवाऊंगा।
मैंने देखा, मैं सोचा यार क्या फेंक रहा है, लेकिन हकीकत में देखा उस दिन समझ में आया कि वास्तव में यार इंसान बहुत जिद्दी है। आगे जिद्द है ना, आगे जिद्द है, आप देखना। उस दिन भी मजाक लग रहा था कि 180 माइक में बोलते थे सर कि 180 को सिलेक्शन दिलवा देना है, 180 को सिलेक्शन दिलवा देना है। हाँ, तो आप लोगों की मजाक लग रहा होगा उस दिन, इस जैसे आज मजाक लग रहा होगा कि ये श्री रामकृष्ण समाजवादी ट्रस्ट को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा और जाने क्या क्या बातें हो रही हैं। तो मजाक जरूर लग रहा होगा, लेकिन मैं जानता हूँ ये जिद्दी मानेंगे नहीं। आगे मेरा जहाँ तक सहयोग होगा, जो सहयोग होगा, मैं करने के लिए तैयार हूँ। एक और बात बताऊँ, आने वाली गर्मी में जब बरसात हल्की सी शुरू होती है, अरे यार बरसात हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है। एक पौधा लगवाते हैं सब स्टेशन पे, पानी तो दे सकते हैं, लाइनमैन को ड्यूटी लगवा दीजिए, 5-5 पौधे अपने कार्य क्षमता के आधार पे, अपनी जो है आर्थिक स्थिति के आधार पे 4-5 पौधे लगवा दीजिए और उसको ड्यूटी लगा दीजिए कि ये पौधा सूखा करेगा। फोटो खिंचवाने के लिए एक पौधे में मैं देखा हूं, एक पौधे का फोटो खिंचवाने के लिए 50-50 लोग पीछे रहते हैं, लेकिन हकीकत बता दूं, जिन पौधे को लगाने के लिए 50 लोग खड़े हैं, हफ्ते दिन बाद जाके देखो पता चलेगा कि या तो पौधा सूख गया है तो पौधा ही नहीं है। समझ गया, बहुत एक गेहूं में घास निकालने वाली टीम चल रही है, वो टीम खा जाएगी। राजनीति सभी घटनाएं काल्पनिक हैं, इसका राजनीति कोई संबंध नहीं है। आगे एक बार फिर से मैं TGQ की फैक्ट्री इंडिया नंबर 1 टेक्निकल कोचिंग संस्थान श्री रामकृष्ण टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वंदन करता हूं। और आगे भी बता रहे हैं सर कि हर 6 महीने पर ऐसा प्रोग्राम लगेगा, आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप तो आए हैं, ठीक है, आगे भी आते रहेंगे, और जो लोग नहीं आ पाए उनको यार ये यादगार वाला वीडियो जब दिखा दोगे ना, सोचेगा बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक दिन कैश नहीं जमा होता, SDO साहब थोड़ा सा गुस्सा ही होते तो क्या कर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात बता दें, लोग कहते हैं ना लाइन में लगते हैं लोग और थोड़ी थोड़ी बातों पे कहते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों तुम्हारी नौकरियां भूल के पी जाएंगे, तुम्हारी नौकरियां खा जाएंगे, कहते हैं नहीं कहते हैं, गलत कह रहा हूं। एक बात बता दें, नौकरियां किसी के बाप की जागीर नहीं है जो खा जाएंगे। बिहार में है, बिहार में है, इन नौकरियां लेने में जितना परिश्रम किए हो ना भैया, 10 गुना परिश्रम नौकरियां छोड़वाने में लग जाएगी। आपने सुना होगा एक दिन की मैं बात बताऊं, आज राजनीति कहां जा रही है, मुझे तो बहुत दुख होता है, मुझे बहुत दुख होता है, घिन आती है ऐसी राजनीति पे यार। एक जेई साहब से और SSO सस्पेंड क्यों किया गया, सुन लीजिए मैं बता रहा हूं, बहुत दुख होता है। जेई साहब और SDO साहब को क्यों सस्पेंड कर दिया गया, SSO को क्यों सस्पेंड कर दिया गया, वो इसलिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे लाइट जो देने की जो व्यवस्था है, गलती यही थी कि SSO ने 24 घंटे कर दिया था उस लाइट को। एक बात बताएं, मेरे यहाँ भी 18 घंटे का ही निर्देश है, लेकिन 24 घंटा हम लोग लाइट चलाते हैं और दिखाते हैं कागज में कम चल गया। बता दूं,
बता दूं, अरे यार एक किसान को, एक गरीब को, एक गांव के लोग को, हाँ, जिसका विकास उसी पे सीमित है, वो उसके बगैर पता है रात को कितने बजे, दो दो बजे रात तक किसान पानी खेत में भराता है और कैसे कैसे क्या करता है, हाँ, 18 रुपए लीटर बोतल का पानी बिक रहा है, एक गेहूं के पौधे को तैयार करने में कितना लीटर पानी रखा है, इस पे भी सोचो। हाँ, एक किसान को लाइट देने से, एक किसान को लाइट देने कम ज्यादा देने से JSDO और SSO सस्पेंड हो जाते हैं। मैं प्रश्न पूछता हूं ऐसी गवर्नमेंट से और ऐसे लोगों से जो ज्यादा बिजली देने से, ज्यादा बिजली सप्लाई देने से सस्पेंड कर दिए गए, यदि कम दिए और उसको सस्पेंड किए तो बता दो, जो कम दिया उसको भी सस्पेंड होना चाहिए ना, कम वाले को नहीं कर रहे, पीछे कहने का मतलब आगे व्यवस्थाएं ऐसी हो गई हैं, इसे हम ही और आप, हम नौजवान ही समझेंगे और हम नौजवान ही इसको सही से दुरुस्त करेंगे। नहीं ठीक है, हकीकत में बता रहा हूँ, और बाकी देखिए मतलब कुछ नहीं है, क्योंकि सर का आदेश है उधर नहीं जाना है, तो एकदम पत्थर की लकीर हो गई है, उधर मैं नहीं जाना है, एक कसम से बहुत कंट्रोल करते हैं अपने आप को, लेकिन क्या करें क्या करें, कंट्रोल नहीं हो पाता, नहीं बात नहीं, आगे भी मैं बता दूं, मेरी एक और इच्छा है, हार्दिक इच्छा है, ये 2779 पद की वैकेंसी जो निकली थी जिसमें हम लोग की कोचिंग से 187 लड़के